चलिए एक बार जो लास्ट क्लास में हुआ था ना, पहले हम वो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं। तो फाइनली अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है सर? फाइनली अभी तक ब्रांच अकाउंट के अंदर कुछ बच्चे लास्ट क्लास में एबसेंट भी थे, तो मैं एक बार उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या है? ब्रांच अकाउंट के अंदर हम डिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हैं, जो कि डेटर और स्टॉक डेटर सिस्टम है। और यहाँ पे आपका एट कॉस्ट प्राइस और आईपी प्राइस। कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड हमने तीन सवाल देखे थे, जिसमें एक बोला था आपने खुद कर लोगे और दो हमने क्लास में ही कर लिए थे। इसका हमने फॉर्मेट भी देखा कि डेटर अकाउंट और ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो अकाउंट बनाए जाए, इसके साथ साथ और भी अकाउंट बनाए जाते हैं, जो कि आपने देखे थे क्वेश्चन नंबर तीन में। कि क्वेश्चन नंबर तीन में हमने कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ गए थे, जैसे बैंक अकाउंट बनाना पड़ गया था, डेटर अकाउंट बनाया था। समहाउ किताब के अंदर और भी अकाउंट दे रखे थे जो हम बना सकते थे, लेकिन हमने बोला कि हमें जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर देखा था हमने ब्रांच अकाउंट एट आईपी प्राइस। आईपी प्राइस का मतलब होता है सर, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को ही आईपी प्राइस बोलते हैं, और इसी को लोडेड प्राइस भी बोला जाता है। सेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं ये, सिंपल। सर, कौन कौन सी चीजें सेलिंग प्राइस पे हमें गिवन होती है, जिसके बारे में हमें सोचना है, जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन लोडिंग करना है? तो सर, क्लोजिंग गुड सेंट पे हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक पे हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक पे हो सकता है, रिटर्न टू हेड ऑफिस पे हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस पे हो सकता है, शॉर्टेज पे हो सकता है, स्पॉइलेज पे हो सकता है, प्रीफर्ड पे हो सकता है। इन सभी के ऊपर शॉर्टेज पॉसिबल है। चलिए सर, इसके बाद देखा था हमने कि ब्रांच अकाउंट सेम वैसे ही बनने वाला है, लेकिन शॉर्टेज जिस जिस पे होगा उसका लोडिंग इस साइड आ जाएगा, उसका लोडिंग इस साइड। जैसे ओपनिंग स्टॉक पे होगा तो इसका लोडिंग इधर आ गया, गुड सेंट पे हुआ तो उसका लोडिंग आ गया। तो लोडिंग का मतलब क्या है सर? अगर 10 रुपए का सामान आपने बेच दिया 12 रुपए में, तो कितने प्रॉफिट पे बेचा? 10 वाला सामान आपने 12 में बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट पे। तो जो 2 रुपए है ना, दैट इज लोडिंग। तो इनके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के भेज देता है हेड ऑफिस, तो उसके ऊपर से हम प्रॉफिट निकाल के हम क्या करते हैं, दूसरी साइड डाल देते हैं। इसके बाद हमने देखा था सर कुछ परसेंटेज के टर्म्स, कि आपको ये ना सीधा नहीं बोलेगा कि 10 वाला सामान 12 में बेचा है। वो क्या कहेगा, हमने गुड्स को भेजा है कॉस्ट प्लस 25% या एट सेलिंग प्राइस, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, या तो कॉस्ट प्लस 25% या सेलिंग प्राइस बोल सकता है। तो सर, अगर आपको कॉस्ट प्लस 25% बोले या सेलिंग प्राइस बोले, तो उसमें आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, जो कि हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा था। अगर आपको सेल्स देता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स देता है, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर सेल्स देता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता है, तो आपको एक्सलेट करके निकालना है। अगर आपको कॉस्ट देता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर कॉस्ट देता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स देता है, तो आपको लेट एक्स करके निकालना है। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, किसके अंदर सर? हमने सीखा था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था सर? एक कुछ परसेंटेज है जो एग्जामिनर हमेशा पूछेगा, और इसी परसेंटेज पे एग्जामिनर काम करने वाला है। इससे ऊपर एग्जामिनर हिल नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि इसी पे पूछा जाएगा। तो इस पे पूछा जाएगा तो उसका क्या परसेंटेज है? अगर आपसे बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैं बोलूँ कॉस्ट पे 20 है, सॉरी सेल्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर 20 है, तो सेल्स पे होगा हमारा 16.66। अगर बोला जाता है हमारा कॉस्ट के ऊपर कितना है हमारा 25, तो सेल्स पे कितना होगा 20। अगर कॉस्ट पे बोला जाए 33.33 है, तो इस पे होगा आपका 25%। तो ये परसेंटेज आपको रिमाइंड रखना है। यहां तक हमने कर लिया। देखेंगे ना क्वेश्चन के टॉप पे भी लिखा हुआ है क्या, इनवॉइस प्राइस। बड़ा छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कहता है हेड ऑफिस मुंबई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय। गुड्स जब इनवॉइस हो जाए ना, तो जो गुड्स भेजा जा रहा है ना, दैट इज आपका सेलिंग प्राइस पे है। क्या कहता है? गुड्स इनवॉइस, तो गुड्स जो भेजा गया है वो सेलिंग प्राइस पे है। और सेलिंग प्राइस टू एचओ बाय द एचओ एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी सर हम कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन रख रहे हैं? 25%। और आपको दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको परसेंटेज या प्रॉफिट निकालना होगा, तो एक लेट एक्स करके निकालना होगा। बेटर है कि लेट एक्स करने से बेटर है कि हमने जो ये टेबल देखा हुआ है, कॉस्ट के ऊपर 25 है, तो सेल्स पे कितना होगा 20। हर जगह पे जो 25 दे रखा है, 25 दिमाग से इरेज करके हर जगह पे हम कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई कर देंगे,
20%। अगर आपको लगता है सर ये 20% तो रट्टा फिकेशन हो गया, तो लेट एक्स करके हर किसी पे आप सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे कहता है ये, आगे कहता है ब्रांच अकाउंट द बुक्स हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है सर, और ओपनिंग डेटर भी गिवन है, आपको पता है ब्रांच अकाउंट के अंदर आता है ये। अब मजे की बात है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है ये आईपी पे है या नॉर्मल है, ये हमें आगे बताएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई ये दे रखा है, तो आगे कहता है कैश सेल्स आपको गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर गिवन है, गुड्स रिटर्न टू एचओ गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम आपका फॉर एक्सपेंस 14,500, स्टॉक एट द एंड गिवन है, डेटर एट द एंड गिवन है, ठीक है, ये सारी जानकारी गिवन है। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में इसने कह दिया कि हम जो भी सामान भेजते हैं ना वो किस पे भेजते हैं, हम इनवॉइस प्राइस पे, यानी हमने सामान भेजा सेलिंग प्राइस पे। तो अब देखिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, जो डेटर पहले बनाते थे ना वही अकाउंट हम फिर से बना लेंगे। अब आप मुझे सोच के बताइए, मैं कमेंट जितने अकाउंट बना लेता हूं, आप मुझे सोच के बताइए क्या आपको लगता है डेटर अकाउंट यहां बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने बताया था डेटर अकाउंट के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बस, मेनली एक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दूसरा क्लोजिंग डेटर। अगर दोनों सवाल के अंदर गीवन है तब तो सर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। चेक करिए आप, बताइए इसको ढूंढ के, दोनों सवाल में गीवन है क्या? दोनों है, तो ये पर्टिकुलर निकाल, ये ब्रांच, ये क्या है हमारा ब्रांच, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, टू ओपनिंग क्या क्या है बताओ, स्टॉक है कितने का, कितने का स्टॉक 12,500, डेटर 12,000 और बताइए, बच्चों ने बता दिया सर डेटर अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है और बताइए। आप यहां पे देखिए ना क्या एसेट्स है, एसेट्स तो दो ही है क्या, फर्निश, अच्छा दिख नहीं रहा ये, ठीक है। अब बुक्स के अंदर भी है, बुक कहाँ है आपके, नहीं प्रोग्राम में भी है, नहीं है है प्रोग्राम में है भाई, दोनों की किताब में है, ऑनर्स में भी प्रोग्राम में भी, जिन बच्चों को विजिबिलिटी नहीं है देख लें, ठीक है। अब सर ओपनिंग डेटर था, ओपनिंग स्टॉक था, इसके बाद और भी कोई ऐसा बैलेंस नजर नहीं आ रहा कि एसेट्स का पार्ट हो, तो अब सिंपल सी बात है हम इस टोटल कर लेंगे इसको, और टोटल कितना हो गया हमारा 24,500। अब कहता है गुड सेंट कितने का है, गुड सेंट 40,000। अब इसके बाद आगे फर्दर कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई कौन है, हेड ऑफिस, और दिया किसको है, दिल्ली को, तो भाई गुड्स सेंट ही हुआ ना, रिसीव कहता है कि ब्रांच कहता है भैया मुझे गुड्स मिला है, यही कहेगा ना, तो वही आपका ना कहने का थोड़ा सा क्या करा उन्होंने, वर्डिक चेंज कर दिया, बात वही है ध्यान देना, ठीक है। तो गुड सेंट कितने का कर दिया सर 40,000, कैश सेल्स कहता है तो रेमिटेंस में आ जाएगा, कैश सेल्स 16,000। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर 29,500,
29,500। इसके बाद आगे कहता है गुड्स रिटर्न टू एचओ बाय में आएगा, दो हजार। इसके बाद क्या कहता है ये, कैश रिसीव फॉर एक्सपेंस 14,500। तो सर यहां पे लिख देंगे टू एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था जब ब्रांच पेमेंट करेगा तो यहां नहीं आएगा, हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो यहां आएगा। इस सवाल में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट किसने किया है, नहीं लिखा हुआ इस सवाल में। तो आप मान के चलोगे हेड ऑफिस दे रहा है खर्चा, प्रायोरिटी हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है स्टॉक एट द एंड, तो बाय साइड क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या क्या है, स्टॉक है कितने का है सर, 15,000। इसके बाद डेटर कितने हैं, 22,500। टोटल बताइए, यहां तक समझ में आया। मैंने कहा था एक बड़ी सीधी सी बात है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, एक जवाब देना मुझे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। इधर भी मैंने लिखा सेल्स और इधर भी मैं लिखूं सेल्स, तो क्या प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है, नहीं, दोनों नंबर है तब तक प्रॉफिट नहीं आ सकता, एक तरफ सेल्स हो और एक तरफ कॉस्ट हो यानी परचेज हो। तो हेड ऑफिस ने बोला भैया जितने भी सामान है ना यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब सेलिंग प्राइस पे। बोला भैया सेलिंग प्राइस पे, तो सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे समझ में आता है, वो तो सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, लेकिन सर स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे है, गुड सेंट भी सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता यहाँ से। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कॉस्ट। कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है उसके दूसरी साइड लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व, जिसको बोलेंगे लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व। तो सबसे पहले किस किस चीजों पे ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है उसका लिस्ट मैंने पहले ही लिखवा दिया, आप लोगों ने क्लास लिया नहीं, लेकिन मैंने पहले ही लिखवा दिया कि किस किस चीजों पे एग्जामिनर प्रॉफिट जोड़ के बताएगा। तो लिस्ट ये है हमारा, सर गुड सेंट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बताता है। तो भैया गुड सेंट कहाँ आता है, डेबिट में। इसका प्रॉफिट हटाने के लिए हमें क्रेडिट में वैल्यू डालना होगा, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा। ऐसे ओपनिंग स्टॉक पे होगा, क्लोजिंग पे, रिटर्न टू एचओ एबनॉर्मल, ये सब मैंने बता दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कितना होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के एक तो इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, आपको पता करना है प्रॉफिट किस किस पे, एक तो और एक और इधर से आ जाते हैं, एक और एक, तो इसका प्रॉफिट इधर लिख दें हम, और किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। अब इसका सर जो भी स्टॉक गिवन है ना, बाय स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, और जो भी स्टॉक गिवन है ना और उस स्टॉक के ऊपर, हालांकि सेल्स प्लस कितना कहता था 20, सेल्स प्लस कितना कह रहा है ये, कॉस्ट प्लस कितना कह रहा है 25, तो सेल्स के ऊपर कितना होगा, सिंपल सी बात है, सेल्स पे कितना होगा 20, तो हम सीधा इसका 20% निकाल ले तो ये बनता है, समझे। या तो आप वो वाला कैलकुलेशन करिए, इस पे मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो सर कॉस्ट के ऊपर 25 है तो सेल्स के ऊपर कुछ और ही परसेंटेज होगा, तो सीधा निकाल दिया, समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। सेम ऐसे इसके ऊपर भी कितना निकाल दें हम, बाय साइड में लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, और किस पे है ये, गुड सेंट पे, और कितना आ जाएगा 40 का 20%, कई बार बुक में कर देते हैं लेकिन हम अलग अलग करके चलेंगे, बुक में सीधा स्टॉक रिजर्व टोटल करके दिखा देते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत कंफ्यूजन होगी, ऐसे तो पता तो है इसके ऊपर निकाला इसके ऊपर निकाला। इधर से किस पे निकालेंगे, रिटर्न पे, 2000 पे कितने 20%, 2000 पे 20% किस पे होगा, टू, कौन सा है हमारा, कौन सा है हमारा, ये रिटर्न रिजर्व, और इसी को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसी को, लोडिंग, इसी को लोडिंग कहते हैं, रिजर्व किस पे है सर, रिटर्न पे,
कितना है सर? 800। इसके बाद फिर से निकालेंगे रिजर्व, हाँ 400 आएगा, अभी 20% है ना, ठीक है 400 आएगा, 400। और फिर दूसरे पे देखें रिजर्व, रिजर्व क्या है, किसके ऊपर निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक पे, कितने? 20%। यानी अब यहां से फाइनल हमारा सब कुछ हो चुका है, अब निकाल दीजिए टोटल करके जो निकालते हैं, ये कितना आ रहा है? नहीं इसका टोटल बताओगे ना, एक एक करके करेंगे ना, ये नहीं पहले ये बताओ मेरे को, अब इसका टोटल बताओ कितना बताया इसका टोटल? 95। और इधर भी, और क्या आएगा बताइए, कितने आएंगे? 1300। ये क्या आ गया आंसर, जो कि एग्जामिनर को मैं बताना था, चेक करिए बुक में। समझ में आया? तो आप देखेंगे ना, तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क ही नहीं है सर, बस लोडिंग यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के उसके दूसरे साइड रखना है, बाकी बात खत्म, समझे? और आने वाले सभी सवाल में ये यूज होगा, जितने भी सवाल होंगे सभी में यूज होगा सर। जैसे ये देखिए, अब यहां पे मजे की बात कह रहा है, कॉस्ट प्लस 33.33%, यानी सारी चीजें हमें इनवॉइस की गई है, गुड्स आर इनवॉइस, जहां इनवॉइस बोल देना वहां समझ जाना सेलिंग प्राइस पे है। तो सर कॉस्ट के ऊपर 33% है, तो हमने डरने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही टेबल में लिख लिया है, अगर कॉस्ट के ऊपर हो तो सेल पे कितना होगा, तो फटाफट से 25% निकाल के सब पे करा जा सकता है, तो 50% सब पे निकाल के हम कर सकते हैं। बाकी सवाल देखो, ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर स्टॉक, और स्टॉक के ब्रैकेट में स्पेशली आईपी लिखा है, तो सर आईपी तो हमें पता ही था, इन्होंने लिख दिया आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। गुड सेंट कहता है कैश सेंट, ब्रांच एक्सपेंस, फ्रेट, बेड डेट्स, डिपेंडेंट। अब यहाँ पे मजे की बात है कि क्लोजिंग डेटर दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, और भी देखते हैं आगे है क्या ये। ये क्वेश्चन नंबर 7 यही पढ़ रहे थे, ये थोड़ा सा ना, हाँ रिटर्न, इसके बाद आपका इनवॉइस, हेड ऑफिस ड्यूरिंग द गुड्स इनवॉइस बाय द हेड ऑफिस, यानी गुड्स सेंट, ये सारी चीजें गिवन है हमारे, हो जाएगा ये सवाल। डेटर बनाना पड़ेगा इसमें, इसमें ये हो जाएगा, पहले एक बार आपके बुक में है, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए ऐसा हो सकता है, बुक में देखो फटाफट से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सभी की किताब में होगा ये क्वेश्चन। बताइए हो जाएगा क्वेश्चन में, देखिए
क्योंकि इस टाइप में सबसे मुश्किल सवाल बोलूँ ना तो 3 था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बाकी जितने भी पॉइंट्स कम है बस लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा। डेटर में लोडिंग अकाउंट बनेगा क्या? नहीं, सिर्फ ब्रांच अकाउंट के अंदर ही लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सेवन देखिए एक बार, सेवन में क्या कहता है? ब्रांच 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो यहां पे टर्म्स बदल दिया, 20% ऑन सेल्स। क्या यहां पे भी कन्वर्ट करना है? डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां पे कहता है कि यहां पे व्हेन स्टोर हैज द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच इन चंडीगढ़ आर गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच 20% ऑन द सेल्स हैव द इंस्ट्रक्टर सेंट ऑल द कैश डिटेल ऑफ द हेड ऑफिस। बोलता सब देंगे, ऑल एक्सपेंस आर पेड बाय द एचओ एंड एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस वैसे भी वो पे नहीं करते हैं, विच आर मीट बाय द ब्रांच मैनेजर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको ये दे देता है स्टॉक। सबसे पहले बताओ स्टॉक ये कॉस्ट पे है 15,000 रुपये या सेलिंग प्राइस पे? कैसे पता चल रहा है? अगर ये सेलिंग प्राइस पे है और प्रॉफिट भी सेल पे कर रहा है तो फटाफट लोडिंग निकल सकता है। कितना लोडिंग आएगा? 20%, और 20% दैट इज 3,000 रुपीज। ठीक है, आगे देख ले, डेटर दे रखा है, कैश इन हैंड कोई काम नहीं है, फर्नीचर कोई काम नहीं है, गुड सप्लाइड बाय एचओ, ये भी किस पे है? आईपी पे। इस पे भी लोडिंग निकलेगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ, अब इसमें लिखे चाहे ना लिखे ये आईपी पे ही होता है, ये मान के चलना है आपको। ठीक है, इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस रेंट, सैलरी एंड पेटी एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें दे रखी है। मेरे पास एक साथ क्वेश्चन आया नहीं है। अरे ये क्वेश्चन अगला आ गया। ओके, तो यहाँ क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा, तो मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप ये 3 सवाल, ये भी सिंपल है, बस इस सवाल को छोड़ दीजिएगा। मैं एक्सपेक्टिंग करूंगा कि ये बाकी के सवाल आप करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने 5 कराया, 6 और 7 आप देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट आपको खटक रहा है तो बताइए आप। इसके बाद अगला टॉपिक आपकी बुक में देखेंगे तो कौन सा स्टार्ट हो जाता है? स्टॉक, स्टॉक डेटर, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा। मतलब अकाउंट ज्यादा बनेंगे उसमें, उसमें ट्रेडिंग P&L भी बनेगा। ठीक है, तो आज हमने एक सवाल देख लिया और कल वाली क्लास में पहले अभी अपलोड मार देता हूं, कुछ बच्चों ने देखा नहीं होगा इसलिए मैं कुछ ज्यादा आगे लेके नहीं चल रहा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये कर लेंगे। कल की क्लास देखिए, आप लोगों का लाइव क्लास जैसे ऑफलाइन है ये तो नहीं होगा, 26 जनवरी है कल, 26 जनवरी को कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन मैं क्लास अपना जरूर रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने का मतलब आप सभी को यूट्यूब का लिंक दूंगा, एक क्लासेस, क्योंकि कोर्स खत्म करना है हमें, कोर्स खत्म करने के साथ समझ में भी आना चाहिए। मैं कल की छुट्टी दे दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी घर पर आराम से रहूंगा, लेकिन सिलेबस आपका फरवरी में पेपर है। मेरा टारगेट क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं आपका संडे से पहले पहले अगर मैं ब्रांच का अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म कर दूँ, आपके डाउट लेने में तो 1 से 2 दिन ही लगने हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर पाया संडे तक तो बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे हम। फिर हमारे जो बाकी का बस एक NPO बड़ा चैप्टर रहता है, बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर है और थ्योरी के चैप्टर है। थ्योरी तो मैं एक दिन में 3 से 4 घंटे की क्लास में भी खत्म हो जाएगी, और थ्योरी वही है जो कि आपकी 11वीं वाली थ्योरी है। आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, मनी मेजरमेंट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, जो 11वीं के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, AS क्या है आपका, या फिर इसके अंदर ये आता था आपका IFRS क्या है, याद हो अगर आपको तो वही थ्योरी एग्जैक्टली रिपीट होता है यहाँ पर, तो वो तो हम वहां भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे समझाने में। मैं बोलूँ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है, तो इसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 11वीं में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उसके अंदर थ्योरी को एक बार पढ़ना है हमें। ठीक है ना, तो थ्योरी का वो पार्ट है। हाँ, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ थ्योरी है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वो एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। हमारे कितने AS हैं सर? हमारा AS जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 खत्म हो चुका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी है जिसे हम करेंगे, एक दिन लगेगा।
9 के बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी है जिसे करेंगे, जो उसमें एक दिन लग जाएगा हमारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ये मैंने जिसका, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है लीज, जो ये तीन चार नाम लिए हैं। तो हर एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेमेस्टर 1 के टारगेट के हिसाब से हम एक दिन में खत्म कर पाएंगे। और जैसे एक एक दिन में, यानी अगर हम ये और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लो हार्डली हम 10 तारीख तक खत्म कर पाते हैं, 10 तक टारगेट लेके चलना चाहिए ना, तो 10 तारीख तक हम सारी चीजें खत्म कर लेते हैं, बस चैप्टर रख लेते हैं हम, एनपीओ नहीं हुआ। तो एनपीओ तो आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, और थोड़ा सा स्पीड अप लेके मान लो एंड 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 करते करते आपका, मैं एनपीओ क्लास लेता रहा, तो आपको इतने ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि एनपीओ कैसे करना है नहीं करना है। और एनपीओ अगर लास्ट लास्ट में रहा तो चैप्टर क्या रहेगा, कुछ पेंडिंग नहीं रह जाएगा, बस कुछ एक कॉन्सेप्ट एक आध, वैसे मैं रहने नहीं दूंगा, मैं क्लासेस लेके खत्म करूंगा। आपने अगर वीडियो नहीं देख पाए या आप क्लासेस नहीं ले पाए तो एक आध कॉन्सेप्ट रह गया एनपीओ, बाकी ये तो रहेगा ना हेल्दी कि हाँ भाई पूरा सिलेबस तो खत्म है, एनपीओ का छोटा सा पॉइंट डाउट है। लेकिन अगर मैं पहले एनपीओ करा दूं तो लास्ट तक एनपीओ खत्म हो जाएगा, आपके सारे एएस रह जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार हमने करा ही क्या है, कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हो ना, इतने सारे पार्ट्स तो हमारे क्या रह गए, पेंडिंग। तो लास्ट में मैं उस चैप्टर को पकड़ना चाहता हूँ जो कि एंड तक मान लो चले भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम आपका जो भी है वो सभी को डेट शीट तो मिल ही गया है, ठीक है ना। हालांकि अकाउंट्स का एग्जाम कब बताया गया, मार्च को, 3 मार्च को है ना, 3 मार्च को है। तो अकाउंट्स का एग्जाम हालांकि 3 मार्च को है, लेकिन मैं कोशिश है कि 15 फरवरी को मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि आपके अपने दूसरे एग्जाम है जो उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आज ही ट्राई करोगे, डाउट होगा तो अगली क्लास में हम डाउट लेंगे, कब डाउट।